स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के एक नई वीडियो पे। एंड आज फिर से हम सोलो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। वैसे हमेशा की तरह सोलो ही खेलते हैं यार, कोई मतलब डुपो स्क्वाड ये सारी चीज़ें नहीं खेलते। स्क्वाड खेल सकते हैं बट अभी क्या है कि हमारी टीम कम्प्लीटली रेडी नहीं है। और वैसे तो हमारे साथ एक बंदा लैंड कर रहा, काफ़ी टाइम बाद लैंड कर रहा, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भाई एक भी बंदा, मतलब एक बंदा ही है बट यहाँ पे गन एक भी नहीं है। तो अपने को ये चलो UMP मिली जो काफ़ी हद तक सही हो सकती है अपने लिए। भाई यहाँ पे एक गाड़ी लेके बंदा आ रहा था इस साइड से, फैक्ट साइड से, बट यहाँ पे रुका नहीं। सही का रुक जाता ना तो पेल देते अपन उसको, बट कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। नहीं रुका तो अपने लिए फ़ायदा है ना, क्योंकि अपन सेव पॉइंट पे आ जाएंगे यहाँ पे जब तक। चलो भाई यहाँ पे ये एक बंदा आया यहाँ पे, शायद मेरे हिसाब से उसके पास कुछ भी नहीं है, भागता हुआ आया है। तो अपने पास दोनों के दोनों का ना बिना स्किन वाले और बिना स्किन वाले के साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बट कभी कभी अच्छे भी लगता है कि चलो ये बंदा भागा, ये गया फिनिश पहली किल। और वैसे टॉप 37 पे आने के बाद हमारा पहला किल हुआ है। एंड वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, लूट वगैरह करते हैं क्योंकि ज़्यादा लूट हमने क्लॉक टावर पर किया नहीं। और गन की कॉम्बिनेशन का भाई यहाँ पर बंदा ये गया क्या, नहीं ये गया पहली। चलो मुझे तो लगा ना कि मैं चला जाऊंगा, बट यहाँ पे भाई बंदे ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैं गया नहीं। और एक चीज़ ना, शॉर्ट गन पर मेरे कैरेक्टर में ऐसा होता है कि अगर एक डैमेज देता हूँ तीन या चार, मतलब जितने की डैमेज पड़ती है, जैसे तीन गोली चार गोली, तो उस हिसाब से मेरा वो तो जो भी है HP वो मेरा रिकवर हो जाता है। तो ये चीज़ सिस्टम ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये तो मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जो ID विनीत की थी जैसे उसने सेट करके रखा था मैंने वैसे ही रखा है, बस कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करके रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे दो बंदे थे तो मतलब मेरे हिसाब से एक बंदा था, तो मैंने मेरे हिसाब से कि एक बंदे को मैंने मार ही दिया है, दूसरा बंदा था पता नहीं। और काफ़ी अच्छी चीज़ ये कि विदाउट गन स्किन वाले गन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अपने पास नहीं मैक की स्किन है नहीं हो AC-80 की। अब वॉल अपने पास काफ़ी अच्छे तरीके से है और अपन ने वॉल ख़रीद भी लिया है, तो ये सही है। और भाई ये बंदा, ये कौन बंदा है यहाँ पे, क्लॉक टावर से आया क्या? नहीं, चलो ऊपर ऊपर चलते हैं इसके लिए। ऊपर नहीं, पहले तो इसके पास जाना पड़ेगा यार अपने को, इस साइड से अगर आता है बंदा तो नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि बंदा ऊपर ना जाए, तो अपने को ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ पर सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर और ऊपर से इसको निपटाने की फुल्ली कोशिश करते हैं। और ये नहीं भाई, बंदा तो यहाँ पर गया, ये गया बंदा, रुको निकल ले तो पहले। चलो ग्रेनेड कर देते हैं कुक, चलो जाके फटेगा, नहीं फटा भाई, कवर पे था बंदा। ये गया पहली, नहीं यार डैमेज मेरे हिसाब से लग रहा है ये HP कुछ तो कैरेक्टर लेके आए, तो फिर वॉल वाला कैरेक्टर लेके आए या फिर की कैरेक्टर वालों के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है भाई, उनकी HP बिल्कुल एक साइड से बोला जाए अनलिमिटेड का, थोड़ा सा भी हीलिंग का टाइम मिले तो उन लोगों का HP बहुत ही जल्दी रिकवर होता है, एज़ कम्पेयर टू द ये क्या तो कहते हैं स्कालर वाला। यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे कहाँ है भाई, इतना खुले में कोई जरा, ये गया नहीं, बच गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और यहाँ भाई वॉल, अभी ये बंदा तो गया, बंदा डरा हुआ क्योंकि डैमेज काफ़ी ज़्यादा और मेरे हिसाब से लग रहा है इसके पास वॉल काफ़ी कम है, इसलिए कवर पर भी जा रहा, तो मतलब स्कालर कैरेक्टर ले रखा है अपन। ये कि ये ग्रेनेड एंड बंदा निकला और ये लो पहली फुर्सत में। चलो अपने हो चुके हैं तीन किल, एंड तीन किल के साथ अपन है टॉप 27 पे, जो काफ़ी अच्छी तरीके से पोजिशनिंग हो रही है फिलहाल। तो अब यहाँ पे ना अपने पास वॉल तो काफ़ी अच्छे तरीके से है, मतलब 12-13 वॉल है अपने पास। ये भाई गाड़ी, फिर से गाड़ी, इन गाड़ियों से ना हमेशा से परेशान रहते हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वॉल खर्च कराते हैं ये वाले, क्योंकि आस पास आते वॉल तोड़ देते हैं इनको, नहीं डैमेज जाता है नहीं कुछ जाता, तो भाई क्या ही बोलने लोगों के लिए। यहाँ पे भाई एक बंदा थोड़े से स्पॉट टाइप, ये बंदा एक बंदा स्पॉट हुआ, अब मेरे पास रस करेगा, ये भाई मेरे पास रस करने की कोशिश ही कर रहा बंदा, इससे वो पहले अपने को डैमेज दे, अपन इससे पहले अपने भाई 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 बच गया, एक वॉल ऊपर लगी, एक वॉल के चक्कर में तीन वॉल खर्च। अब बताओ ऐसे में ज़िंदगी कैसे चलेगी। और बंदा मेरे हिसाब से ऊपर जा रहा है, एक ग्रेनेड किया, नहीं कर पाएगा ग्रेनेड, मेरे हिसाब से लग रहा है मैं तो अभी फिर भी सेफ पॉइंट पे ही हूँ। भाई ये बंदा गया और ओ भाई क्या हेडशॉट थी यार, भाई रनिंग पे हेडशॉट, वैसे इस टाइप से हेडशॉट मेरा मतलब बहुत ही कम पड़ता है, हेडशॉट तो बहुत ही कम पड़ता है सच्ची बताऊँ मैं। और बोला जाए तो ई स्पोर्ट्स में तो भाई हेडशॉट मारने का हम प्रैक्टिस भी नहीं करते, जितना ज़्यादा उसका डैमेज दो एंड उसकी वेस्ट डैमेज करो, हेलमेट डैमेज करो और मेडिकेट ख़त्म करो, हमारा सबसे पहला एम यही होता है।
और अपन यहाँ से नीचे नीचे से, क्योंकि जोन थोड़ा सा ऊपर बना ना, तो अपन को नीचे से जाना पड़ेगा। और बंदे ऊपर फाइट ले रहे हैं और नीचे से रहेंगे तो अपने लिए सेफ पॉइंट पे है। यहाँ पे अपन नीचे ही है और ऊपर सामने बंदा यहाँ पे ग्रेनेड कर रहा है, हमें ग्रेनेड कर रहा है या फिर किसी और को ग्रेनेड कर रहा है ये पता नहीं। वैसे अपन जिस साइड से ना उस साइड से अपने कोई टेंशन नहीं है, सेफ पॉइंट है। बट अगर ये बंदा रश किया तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज थर्ड पार्टी होने की फुल चांसेस हो जाएंगे हमारे साथ। बट कोई नहीं, फिलहाल बंदे को मर जाने देते हैं। और वैसे टॉप फाइव में आ चुके हैं एंड किसी बंदे ने कहा है कि भाई 4-5 में आना इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब बड़ा डील नहीं है यार। यार भैया ग्रेनेड की स्क्रू नहीं, अब ये गया, ये तो गया बंदा। ये लो पहली, एक और, एक दो, और ये भाई चलो फिनिश। बंदे को मैंने पहले ही डैमेज दे रखा था। आई थिंक मेरे सबसे स्काइलर या फिर की कैरेक्टर लेके आया था। की कैरेक्टर वालों की एक चीज़ है कि अगर आप उसको लगातार डैमेज देते रहो तो उसको हील करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप चाहो कि अगर कोई कैरेक्टर सामने वाले पता है, अगर भी इतना डैमेज देने के बाद भी अगर नहीं मार रहा तो आप ट्राई कर सकते हो कि क्लोज रेंज पे जाओ, उसको डैमेज भी डैमेज दो। अगर उसको हील करने का टाइम दोगे तो डेफिनेटली वो अपना पूरा हील बहुत जल्दी फास्ट रिकवर हो जाता है उसका एच पी आर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब भाई अपन करने वाले स्किनर यूज़ बंदे किस साइड हैं वो चीज़ें पता ही, दो ही बंदे बचे हैं, मतलब दो एनिमी हैं, एक बंदा यहाँ पे, फिर से एक बंदा सामने, और ये लो वही बाइक वाला, नहीं बाइक वाला ये वही है कि नहीं समझ में नहीं यार बाइक वाला कौन है यार। जब भी मेरे को डैमेज दे रहा, मतलब मेरे पास आया था वो है, फिर ये भी नया वाला बंदा है। चलो अपन इसको डैमेज देते हैं, तो सामने वाले यहाँ पे थर्ड पार्टी हो रही है जब जब से कि कोई तो एक तो लपटेगा। मेरे सबसे लग रहा है ना यहाँ पे भी सामने वाला बंदा भी की कैरेक्टर लेके घूम रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ ना ये भाई मेरे पास टारगेट मेरे को कर रहा बंदा। ये देखो भाई भाई भाई, ये भाई बच गया मैं तो यार। ये अब मेरा वॉल बहुत ही ज़्यादा ख़त्म कराएगा। ये देखो क्या फास्ट गाड़ी है इसकी, ऐसे गाड़ी वालों को मारने में मज़ा भी अलग आती है। लेकिन पहले तो भाई अपने को ना थोड़ा सा कवर लेना पड़ेगा और ये हमसे बचना पड़ेगा। ये देखो यही चीज़ है, तीन वॉल यहाँ पे भाई क्या कर रहा है। ये देखो थर्ड पार्टी बुरी मेरे साथ भाई यार, ये देखो ये एक थर्ड पार्टी कर रहा है भाई, सामने वाले के साथ मैंने थर्ड पार्टी कर रहा था, ये मेरे के साथ थर्ड पार्टी। अब मेरा वॉल ख़त्म करने में तुला है, ये देखो भाई क्या करना है। रुको इसके वॉल तोड़, रुको तो यार भाई जब ही से लगा पड़ा है अब ये बिल्कुल, अब क्या ही बोल दें भाई। भाई बच गया, बस थोड़ा सा एच पी नहीं तो मैं तो चला जाता अभी। अब रुका है गाड़ी, अब इसको लपेटने की फुल चांसेस बनी है। अब थोड़ा सा रुक जाओ, हील कर लेने दे बेटा थोड़ा सा, बस रुको, तुम्हें अब भी बताते हैं। ये ग्रेनेड किया, तू भी गया। चलो ग्रेनेड अगर किसी बंदे को पता चल जाए ग्रेनेड करा तो सीधा के सीधा रश करो, क्योंकि उसके पास उस समय ये भाई ये अलग एक बंदा यहाँ पे मेरे को परेशान। तो वॉल बहुत ही कम है और जोन अपने पास नहीं है, जोन उसके पास है। ये एक वॉल, दो वॉल, एक की जगह दो वॉल लग रही है हद यार। अब वॉल अपने पास दो ही बचे हैं, अब दो ही वॉल है और अब करो या मरो वाला सिस्टम। और हेल्थ भी काफ़ी कम है हमारा, तो अब कोशिश तो पूरी रहेगी इसको मारने की, बट यहाँ पे हमारी कोशिश हो रही है नाकामयाब और गए हम।